हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमने 5 नवंबर 2017 को पूछा गया दो क्वेश्चन लिया है, एक सीआई और एसआई से है और दूसरा बोट एंड स्ट्रिंग से है। दो ही क्वेश्चन लिया है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत सारा चीज इसमें मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले एक्स इन्वेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट रुपीज 8000 फॉर टू इयर्स एट 20% पर इनम। कोई मिस्टर एक्स है जो 8000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है दो वर्ष के लिए 20% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हो गया, ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है इन स्कीम ए। ए स्कीम पर 8000 रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है सीआई के किसी रेट से। सीआई के किस रेट से, तो सीआई का रेट है 20% का, टाइम है दो वर्ष। ठीक है, ही इन्वेस्ट सम अनदर अमाउंट इन स्कीम बी। अब स्कीम बी पर कुछ और भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर एनम फॉर फोर इयर्स एट एसआई। ठीक है, तो वो एसआई के रेट से 8% है जबकि टाइम आपको दिया हुआ है 4 वर्ष। द अमाउंट रिसीव्ड इन स्कीम ए इज द अमाउंट रिसीव्ड इन, यहां पर देखिए इन स्कीम ए, तो ए से कुछ अमाउंट आएगा, ए में कुछ अमाउंट आएगा। ठीक है, वो कहा जा रहा है इन स्कीम ए इज 400% मोर देन द इंटरेस्ट रिसीव इन स्कीम बी, तो 400% ज्यादा है इसके इंटरेस्ट से। ठीक है, हाउ मच वाज अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, देखते हैं हम लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, टाइम है 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो लगेगा ही, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे देखो, पहले वर्ष लगा 20%, दूसरे वर्ष भी लगेगा 20%, ये तो प्रिंसिपल पे लगा 20%, बट एक वर्ष के बाद जो 20% हुआ है उस 20% पर भी 20% लगेगा, तो हम लोग 20 × 20 बटे क्या कर ले, इसको 100 कर ले। यानी अगर हम देखें फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये हो जाएगा 20 × 20 = 40 × 40 = 44%। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात पता चल गया कि इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आएगा 44%। अब कुछ अमाउंट आएगा और वो अमाउंट इसके इंटरेस्ट से 400% ज्यादा है, 400% ज्यादा है। यानी पहले हमें इंटरेस्ट पता चलेगा, इसका इंटरेस्ट पता चलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम 8% के दर से, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है ना, तो 8% पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, तो 8, 8 = 16, 16 = 24, 24 = 32, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना लग जाएगा 32%। या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट 8% और ऐसा ऐसा कितना वर्ष, 4 वर्ष, तो 8 × 32% हो गया। ठीक है, तो यहां पर इस बी का जो प्रिंसिपल होगा, बी का प्रिंसिपल होगा 100% और इसके रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 32%। किसके रेस्पेक्ट में, 100% के रेस्पेक्ट में 32%। देखो ये क्वेश्चन है आसान, बनाने के लिए 5 से 10 सेकंड काफी है, बट हम समझा रहे हैं आपको। तो 44% अगर 8000 का देखा जाए, यहां पे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। देखो इसका अमाउंट और इसका इंटरेस्ट 400% ज्यादा है, अगर ये 100% होगा तो ये 400% ज्यादा यानी होगा 500%। हम यहां से इसके अमाउंट को 5 बोल सकते हैं और इसके इंटरेस्ट को 1 बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो 8000 का 40% हो जाएगा 3200, 8000 का 10% 800, 8000 का 40% 4 गुना करोगे 8000 को 800 को, तो 800 को 4 गुना करते हैं तो 8 × 4 = 3200, और 4% 3200 से 10 कम करो 320। देखो 44% निकालना हमें 8000 का।
ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं 40% प्लस 4%, तो 4% ये है 10%, तो 10% का 4 गुना कर दे तो आ जाएगा 4 3200, 10% का 4 गुना 40%, 800 का 4 गुना 3200, प्लस 4% इसी में एक जीरो कम कर दे 320, तो ये आ जाएगा 3200 प्लस 320 मिलके 3520, और 8000 पहले से ही है तो 11 3520 है तो 11520 रुपया। ये चीज हमें डायरेक्ट ही कर लेना था, ठीक है। चलिए अब देखिए, 5 यूनिट बता रहा है 11520 है, तो एक यूनिट कितना बताएगा, डिवाइड करेंगे 5 से, 5 दुनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो 2304 रुपया, यानी एक यूनिट बराबर हो गया 2304 रुपया। तो यहां से हमें पता चल गया कि इसका 32% हो गया 2304 रुपया, 32% 2304 रुपया, ठीक है। बस खत्म हो गया, ये कहानी इसका खत्म हो गया। अब देख लो, हम बोलेंगे बी का 32% बराबर 2304 रुपया, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 2304 बटे 32 गुना 100। अब सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे 2304 के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह 48 का स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है, 48 गुना 48, तो 16 दुनी 32, 16 ती 48, 24 दुनी 48, 24 गुना 3, 7200 रुपया आपका हुआ आंसर, 7200 रुपया आंसर हुआ, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 9:7। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं कि जब भी बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप समझ के चलिए कि चार तरह का स्पीड का जिक्र होगा, चार तरह के स्पीड का जिक्र होगा, चार तरह के स्पीड का जिक्र होगा, उसको समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर, वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम में वेलोसिटी स्पीड, और एक आता है वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो किसका है, ये तीनों का तीनों वेलोसिटी ऑफ बोट ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट में अगर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को ऐड कर दिया जाए, इसमें अगर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को ऐड कर दिया जाए तो वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट निकल जाता है। धारा के दिशा में वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, और वी अप आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा के उल्टे दिशा में, ठीक है। तो यहां हमें चार तरह का स्पीड मिला, 1 2 3 3 3 और ये चार, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम सेम ही है। तो चार तरह का स्पीड मिला, एक क्या मिला, वोट जा रहा है स्टील वाटर में, उसका एक स्पीड दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उसे क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो धारा का सपोर्ट मिलेगा, तो जैसे ही धारा का सपोर्ट मिलता है तो उसमें स्पीड उसका बढ़ जाता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट तो जो है वो है ही, उसमें धारा का स्पीड भी जुट जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट अब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इसको पीछे धकेलता है, विरोध करता है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो जाता है। अब आप देखिए एक चीज, जैसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम देखें कि वोट का स्पीड क्या है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा,
तो 10 प्लस 2 मिलके हो जाता है 12 किलोमीटर पर आवर। और अपवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो 10 में से 2 माइनस हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप एक बात पे गौर कीजिए, देखिए अगर वेलोसिटी ऑफ बोट है 10 किलोमीटर पर आवर तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ बोट है 10 किलोमीटर पर आवर और अपवर्ड डायरेक्शन में है 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में इस दोनों के पक्का बीच में 10, ठीक है, 12 और 8 के पक्का बीच में कौन सा स्पीड है, 10। तो अब से आप समझ लीजिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन अगर दिया हुआ रहे, 12 और 8 दिया हुआ रहे, तो वेलोसिटी ऑफ वोट हम क्या बोल देंगे, जो पक्का बीच में होगा उसको बोल देंगे, तो 8 और 12 के पक्का बीच में कौन सा है, 10 है। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम किसको बोल देंगे, तो 10 से कितना बढ़ा, 2, 10 से कितना घटा, 2। तो यहां से ऊपर वाले का और यहां से नीचे वाले का सेम ही होगा, 10 प्लस 2, 10 माइनस 2, तो ये दो देख लो सेम ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर इतना बात समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस दोनों के बीच में ही होगा वेलोसिटी ऑफ बोट। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, ठीक है, वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम में, वेलोसिटी अप स्ट्रीम में, ये रेशियो दिया हुआ 9:7। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ एडिशनल इंजिन इज अटैच्ड देन बोट कैन गो 104 किलोमीटर इन 4 आवर। एक हुआ क्या कि एक एडिशनल इंजन लगा दिया, मतलब जो भी बोट का स्पीड हो, जो भी स्पीड हो उसमें एडिशनल इंजन लगाया, यानी वो ज्यादा स्पीड में खींचेगा, तो बोट कितना जा सकता है, बोट उस समय में जा सकता है जब एडिशनल इंजन लगा दिया गया, तो बोट उस समय में 104 किलोमीटर जा सकता है 4 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशनल इंजन के साथ में वेलोसिटी ऑफ बोट है 4 × 8, 4×6=24, 26 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है देन व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। चलिए हाँ, ये इस 26 किलोमीटर में देख लो क्या सब है, वेलोसिटी ऑफ बोट तो है ही, और वो भी क्या बोल रहा है 104 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उल्टा दिशा में जा रहा है, तो उल्टा दिशा में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम उल्टा दिशा में इसका है 26 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कुछ अलग होगा, देख लेते हैं। अब यहां से देखो, इतना चीज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9, अपवर्ड डायरेक्शन में 7, तो बता दो जल्दी से कि वेलोसिटी ऑफ बोट कहां होगा, कौन सा यूनिट होगा, 8, 9 और 7 के जस्ट बीच में कौन सा है, 8। अब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 8 और 7 के बीच कितना का अंतर है, 1, और 8 और 9 के बीच कितना का अंतर है, 1, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2 किलोमीटर पर आवर यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 16 किलोमीटर पर आवर यानी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा, यहां देखिए, ये तो 26 किलोमीटर जो है, 26 किलोमीटर तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम घटा करके है ना, अगर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यहां से वेलोसिटी ऑफ बोट निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम जो कि है 2 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 26 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा 2 माइनस में है उस साइड चला जाएगा तो 28 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यही पता करना था
कि 16 से कितना बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 28 हो गया। 16 से कितना बढ़ गया जो 28 हो गया, तो 16 से कितना परसेंट बढ़ गया कि 28 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 16 से बढ़ा 12 कितना में, 16 में 3 चौक 4 तिया 12 4 चौका 16, तो 3/4 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 75%। कितना परसेंट होता है, 75%। और ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। हमने बताने का सिर्फ ये कोशिश किया कि ये दोनों क्वेश्चन बनने के लिए तो एक मिनट बहुत है, दोनों क्वेश्चन मिला के हम बोल रहे हैं, लेकिन समझने का यहाँ पे बहुत सारा संभावना था। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमने इस पे ज़्यादा टाइम दिया, सिर्फ दो ही क्वेश्चन लिया और इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में। अभी यहाँ पर आरआरबी का तो हम क्वेश्चन दे ही रहे हैं, जिस जिस तरह का एग्जाम होता जाएगा वो सारा क्वेश्चन हम आपको डिस्कशन कराते जाएंगे। डीआई भी हम देखने का कोशिश कर रहे हैं, अगर कहीं से भी हमें डीआई का क्वेश्चन मिल जाता है तो हम उसका डिस्कशन भी कराएंगे आपके लिए। और उसके बाद एडवांस का भी मैं कल से क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डेली एडवांस का एक टॉपिक मैं उठाऊंगा, आधे घंटे में जितना भी बन सके, जितना भी हो सके, वो मैं एक वीडियो तो डेली अपलोड करूंगा। और उसका मैं टाइमिंग फिक्स कर दे रहा हूँ कि एक वीडियो मैं कब अपलोड करूंगा, ठीक है, 7 से 8 के बीच में, शाम 7 से 8 के बीच में एडवांस का एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा डेली, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक, ये तो आपका चलता ही जा रहा है, अरिथमेटिक हमने एलिगेशन का 4 पार्ट बना रखा है, उसके बाद और भी उसमें ऐड करना है कुछ, 5वां 6ठा 7वां, उसमें 7 या 8 पार्ट तक एलिगेशन का होगा, तो वो भी अपना चलता जाएगा, ठीक है। और इधर एडवांस भी मैं शुरू करने वाला हूँ। चलिए फिर मिलते हैं।